अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है कस्टर्ड शरबत, जो कि गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है और सभी को पसंद आता है। और मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कस्टर्ड शरबत बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आज बना ही लेते हैं कस्टर्ड शरबत। आपके घर में कोई फंक्शन हो या ईद वग़ैरह पर भी आप बनाएं और मेहमानों के आगे सर्व करें तो बहुत ही पसंद आने वाला है ये शरबत, तो ज़रूर बनाएं। और बहुत कम चीज़ों से बन जाता है, तो मैं आज आपको 2 गिलास के लिए बता रही हूँ कि कितना लगेगा दूध इसमें। तो 2 गिलास का ये शरबत हम बना रहे हैं। 3 कप हमने दूध ले लिया है, दूध पहले से उबला हुआ है, और इसमें जाएगा चीनी, काजू बादाम और कस्टर्ड। 2 टेबल स्पून चीनी है। दूध को हम अच्छी तरह से पका लेंगे, फिर उसमें डाल देंगे चीनी और चीनी को भी हम पका लेंगे। 2 मिनट के लिए हमने दूध पका लिया, उसमें फिर काजू और बादाम बारीक कटे हुए डाल दिए हैं, और इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका फ्लेवर दूध में आ जाए बहुत अच्छी तरह से। कस्टर्ड मैंने 1/2 कप दूध में घोल कर रख लिया था। ये मैंने 3 टेबल स्पून कस्टर्ड लिया है, और इसको भी हम पका लेंगे कम से कम 2 मिनट। बहुत अच्छी तरह से पका लें ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाए, इसमें बहुत अच्छी तरह से उबाल आता रहेगा और आप चलाते रहें, क्योंकि कस्टर्ड तले में चिपकने लगता है, तो इसलिए इसे किनारे से भी हटाते रहें और चलाते भी रहें, क्योंकि हमें इसका शरबत बनाना है। तो जब ये बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा, और ये देखिए इस तरह से है इस टाइम पर, थोड़ा सा और ठीक हो जाएगा ये ठंडा होकर। बस चूल्हे को बंद कर दिया है मैंने। अब कस्टर्ड को अच्छी तरह से हम शरबत को ठंडा करके फिर फ्रिज में रखेंगे चिल्ड होने के लिए। बस अब हमने ठंडा करके इसे सर्व किया, 1 टुकड़ा बर्फ़ डालकर। ये ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है, ऊपर से पिस्ते से सजा कर सर्व करें। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब सा कस्टर्ड, जो दूध की बोतल और पिस्ता शरबत से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार बनाएं ज़रूर, और ये भी ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मीठा वग़ैरह आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होने वाला शरबत है। अल्लाह हाफिज़।